तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, माननीय सचिन जी पायलट परिवार के सहित आके जोधपुर या धाम पे एक अच्छा हवन करें और भगवान देवनारायण महाराज ही बचा सकते हैं आज इस अशोक गहलोत से, और कोई नहीं बचा सकता। तो भगवान देव महाराज की शरणों में जाएंगे तो मैं गारंटी कहता हूं कोई उनका बाड़मा कम नहीं कर सकता। मैं इस बात के लिए पूरी तरह से परिवार के साथ आए, परिवार सहित आए। हवन तो परिवार के साथ ही होता है, हवन अकेला नहीं कर सकता। डिग्गी कल्याण भी जा सकते हैं, डिग्गी कह सकते हैं। जोधपुरिया हमारा अपने देव है तो इसलिए मैं करूँ। सबसे पहले अपने पितृदेव अपने देवता बचाते हैं, बाद में भगवान रक्षा करते हैं। आपने तो कहा कि पायलट की विधानसभा क्षेत्र में भ्रष्टाचार चरम पर है, किस तरीके देखते हैं? मैं समझता हूँ आपके सबके सामने की बात है, आपके सामने कमिश्नर ट्रैप होकर आपके सामने जेल चलेगी, आपके सामने जितना भी है जो यहाँ पर चल रहे हैं। मैं आपको सीधी बात बता दूं, आपको इसे आगे हो गया है, खुले शब्दों में यह है कि आज की डेट में पायलट साहब को खुद को नहीं पता कि आपकी विधानसभा में क्या हो रहा है। इससे बड़ी बात और मैं कह सकता हूँ? आज विधानसभा के विधायक तो वो है, चला कोई और रहा है, सारे कुछ तो उनके वहां पर चल रहा है। तो मैं आपको इससे बड़ा और बदने से भी क्या होगी? आप महीने में दो महीने में एक दिन चक्कर लगाओ, चार गांव घूम के बार बार चले जाओ, अंदर की देखो ना अंदर क्या हो रहा है। तो अंदर तो उन्होंने बढ़ाया हमने ना आपको, अब उस हिसाब से उनकी मर्जी। आपने कहा कि समाज को भी पायलट ने बर्बाद किया है, समाज को भी कहीं ना कहीं बर्बाद करने का काम। समाज को बर्बाद इसलिए किया है, मैं आपको बता दूं, मैंने आपको एक बात बताऊं आपके माध्यम से, समाज के लिए उसकी अपनी इंडिविजुअल उपलब्धि एक भी नहीं है आज तक भी। समाज के साथ 2007 से जिस हिसाब से एक कानून हुआ था उस दिन से लगा के आज तक, मैं आपको बता रहा हूँ, ना तो कभी लोकसभा में जब वो थे वहां पर उन्होंने एक शब्द आज तक नहीं उठाया, आज विधानसभा में 4.5 साल है, आज तक भी उसने जिस समाज से आते हैं उस समाज के प्रति उन्होंने एक भी शब्द आज तक नहीं कहा कि आज तक भी उन्होंने ये तक नहीं कहा मेरे समाज ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है और आज इतने मुझसे मैंने वोट दिया है, आज उसके बाद भी समाज का एक बार जिक्र नहीं कर रहे कि मैं अपने समाज में जाऊंगा, बातचीत करूंगा, बात करूंगा, समाज को कहेगा। तो समाज ने जिस हिसाब से उसको दिया है, समाज हर समाज ही बात है। मैं आपके माध्यम से कहूँ 2013 में किरोड़ीलाल मीणा ने पार्टी बनाई राजप्पा, उनको उम्मीद थी सारा समाज, मीणा समाज सारा मूल वोट कांग्रेस का सारा बाहर आ गया और हमारी 163 सीट आई, उनकी खाली 21 आई। आज हम मान के चलो ऐसे 2018 में एक नारा दे दिया बाहर से बाहर, हालांकि अशोक गहलोत जी ने उस टाइम भी क्लियर किया था कि हमारे यहाँ प्रदेश अध्यक्ष कभी भी सीएम नहीं बनता, लेकिन भोला समाज हमने मान लिया शायद ये बन जाएगा। तो सारे समाज ने एक तरफ वोट दे दी, हमारा गुर्जर समाज का भारतीय जनता पार्टी में एक भी विधायक नहीं जीता। अब आप मान के चलो उसके बाद में सारे समाज ने वोट दे दिया, तब भी स्वाई जीते थे, यानी गवर्नमेंट तब भी नहीं बन रही थी। आपको बताया 2008 में तो माननीय